तो हेलो गाइस, वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। माय नेम इज वीरेन सिंह और इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं डिस्कस करने वाला हूँ वन मंथ स्ट्रेटजी फॉर द गेट बायोटेक्नोलॉजी। इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वन मंथ स्ट्रेटजी फॉर द गेट बायोटेक्नोलॉजी। सो वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। और जैसा कि आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था, गेट बायोटेक्नोलॉजी और गेट एक्सेल के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा रहा है स्मार्ट लर्निंग एकेडमी पे, जो कि ऐप और वेबसाइट लॉन्च हो रही है और वहां पे आप जाके क्रैश कोर्स ले सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। एक महीने में आपको सारे गेट बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। सो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा स्ट्रेटजी के बारे में, तो व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी। तो ये जो आपके लिए एक महीना बचा है, इस स्ट्रेटजी को आपको दो प्लान में डिवाइड करना पड़ेगा। किस दो प्लान में? सेट अ डेली टारगेट। आपको एक डेली टारगेट सेट करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट प्लान अगर आप जाएंगे तो आप उस तरीके से इफिशियंटली वर्क नहीं कर पाएंगे। सो डेली टारगेट, यू मस्ट सेट अ डेली टारगेट। आपको एक स्पेसिफिक डेली टारगेट आपको सेट करना बहुत ही जरूरी है। नाउ, अब हर एक तीन दिन के बाद, व्हाट इज दैट? दैट इज प्रैक्टिस वन प्रीवियस ईयर पेपर इन थ्री डेज। हर एक तीन दिन के बाद एक प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर आपको प्रैक्टिस करना है, टू सी कि आप कहाँ पे स्टैंड करते, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, कहाँ आप रिलाई कर रहे हो, आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में चल रही कि नहीं चल रही, इसका पता करने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। अब ये मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर पेपर क्या है, इसको बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं बताऊंगा अभी जस्ट। सो अपने जो डेली टारगेट है, ठीक है, उसको बताने से पहले मैं आपसे एक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ, व्हाट अबाउट डेली टारगेट, ठीक है। सो अगर आपके डेली टारगेट की मैं यहाँ पे बात करूँ, तो डेली टारगेट में तीन चीजें होती है, एक होता है लर्न, एक होता है प्रैक्टिस, एक होता है रिविजन, और बेटर मैं इसको टर्म देना चाहूंगा रिकॉल करना। That is what? Recalling. Recalling क्यों बोलना चाहूंगा मैं इसको, क्यों? क्योंकि recall करना, recalling is like something जो कि आप extract करते हो, लेकिन revision is like copy देख के revision करना, जो कि recalling का सही तरीका नहीं होता। अपने बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से आप अपने आप को फिक्स कर सकते हो कि आपको मॉर्निंग टाइम में पढ़ना है, प्रैक्टिस इवनिंग टाइम में करनी है, या कब करना है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट कर सकते हो। मैंने एक जनरल आइडिया लिया है, ताकि एक जनरल जो बायोलॉजिकल क्लॉक लोगों का चलता है कि मॉर्निंग में ब्रेन जो होता है वो फ्रेश होता है, तो उस वक्त नई चीज़ें पढ़नी चाहिए, उस वक्त लर्न करना चाहिए। और जब भी आप गेट बायोटेक्नोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो शॉर्ट नोट्स बनाना तो जरूरी है। चाहे कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे तो मजा कैसे आएगा। एग्जैक्टली, सो शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा, मेक अ शॉर्ट नोट्स और ट्रिक्स जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो। यहाँ पे एक ट्रिक आपको यूज करना है, दैट इज व्हाट? 10-on-1। 10-on-1 का अप्रोच यूज करना है, दैट मीन्स 10 पेज अगर आप पढ़ते हो तो उसको एक पेज पे समराइज करने का ट्रिक आपको करना पड़ेगा, आपको वो डेवलप करना पड़ेगा। प्रैक्टिस कर रहे हैं आप रिवीजन टाइम, इवनिंग टाइम, जो प्रैक्टिस की बात करते हैं, प्रैक्टिस आप इवनिंग टाइम में चूज कर सकते हो। एक छोटे से सिंपल सी बात करूं, आपने पूरा का पूरा कुकिंग की, पकाया और बिना खाए आप सो गए, सो वही एग्जैक्टली द प्रैक्टिस इज द फूड विदाउट सॉल्ट, ठीक है। खाना बिना नमक के जो है ना, वही है प्रैक्टिस की। आपने पूरी मेहनत करी लेकिन नमक ही नहीं डाला, तो खाने का टेस्ट ही नहीं आएगा। सो प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी होता है। डू गाइस प्रैक्टिस, जो भी आप दिन में पढ़ते हो उस दिन ही, उससे कम से कम, मतलब मैं अगर अब 5 क्वेश्चन भी एटलीस्ट कर लेते हो, ठीक है, टॉपिक से अगर 5 क्वेश्चन भी एटलीस्ट आप कर लेते हो, तो दैट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। लेकिन उसी दिन करना जरूरी है, और रिवीजन के लिए कभी भी कर सकते हो, नाइट टाइम के अलावा रिकॉलिंग कभी भी कर सकते हो, घूमते हुए, ट्रैवल करते हुए, वॉक करते हुए, जिम जाते हुए, कुछ भी करते हुए, क्योंकि रिकॉलिंग के लिए किसी भी बुक की जरूरत नहीं होती, अपने ब्रेन को यूज करना होता है और रिकॉल करना होता है, ठीक है। तो रिकॉलिंग के लिए आप इन चीजों को आराम से कर सकते हो। जस्ट यू हैव व्हाट, आपको क्या करना होता है, आपको सिंपली बस ये ट्रीट करना होता है अपने आप को कि जैसे जैसे पेजेस आप पढ़ रहे हो उस तरीके से फ्लैशबैक होना चाहिए माइंड में। कॉपी बंद किया, सब कुछ बंद किया, आंखें बंद किया और रिकॉल करना शुरू। अच्छा, डीएनए रिप्लिकेशन में इस तरीके से प्रोसेस होता है, अच्छा सेल सिग्नलिंग में ऐसा होता है, बायोकेमिस्ट्री में ऐसा होता है, वो आपके आंखों से फ्लैशबैक होना चाहिए। दैट इज व्हाट द रिकॉलिंग इज, ठीक है। तो रिकॉलिंग करना भी बहुत जरूरी होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, कि अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आप के पास क्या है, यहां से अगर काउंट करें कि आज जो है वो ऑलमोस्ट 23 दिसंबर है, 23 या 24 जैसा कि, ठीक है, आप ले सकते हो। तो यहां से ऑन एन एवरेज, ठीक है, ऑन एन एवरेज की मैं बात करता हूं, ऑन एन एवरेज जब बात करता हूं, सो आपके पास नियर अबाउट 1 month लेके चलते हैं, ठीक है। मैं यहां पे 23-24 की बात ना करूं, तो अगर सिंपली बात करूं तो 1 month है आपके पास, लास्ट मंथ या 1 month स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, तो 1 month, दैट इज वॉट जैन इज।
जनवरी इसी तरीके से डिपेंडेंट होती है, इसी तरीके से आपको पढ़ना है। वन मंथ मतलब जनवरी कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का, ठीक है, 31 डेज। अब इस 31 डेज को आपको डिवाइड करना पड़ेगा, यू हैव टू डिवाइड इन 3 डेज मैनर। आपको 3 दिन के हिसाब से 10 आपके गोल्स बनाने, छोटे छोटे टारगेट्स, 10 टारगेट्स बनेंगे आपके 3-3 दिन के। इन टारगेट्स को आपको अचीव करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि किसी बड़े चीज को तोड़ना हो तो उनको छोटे छोटे गोल्स में तोड़ ले, छोटे छोटे टारगेट्स में तोड़ ले, ठीक है। सो एग्जैक्टली आपको उस तरीके से तोड़ना होगा। कैसे आप तोड़ेंगे इन 10-10 टारगेट्स में, मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूँ, आपको एक शेड्यूल दे देता हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग मूव कर सकते हो। और आप अगर उस तरीके से मूव नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, आप अपने तरीके से मोल्ड कर सकते हो चीजों को, अगर आप किसी भी तरीके से पढ़ रहे हो तो। लेकिन अपने जो पूरा का पूरा एक बिग टारगेट है उसको अचीव करने के लिए आपको ये टारगेट्स को, कहते हैं, ब्रेक करना ही पड़ेगा। पूरे के पूरे टारगेट्स को ब्रेक करना पड़ेगा सम मिनी टारगेट्स में, छोटे छोटे टारगेट्स में। इन टारगेट्स पे ब्रेक करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा बात कहना चाहूंगा। वो छोटी सी बात क्या है कि टेक 1/4 A4 sheet paper, ठीक है। अगेन कर लीजिए गाइस, एक A4 sheet paper ले लीजिए। A4 sheet paper लेने के बाद इसमें आपको क्या करना है, दैट इज व्हाट, इसमें क्या करना है, AIR1 GATE BT या देखिए चिपकाएंगे तो ये क्या करेगा, आपको कंसिस्टेंट रहने में हेल्प करेगा। किसमें कंसिस्टेंट रहने में हेल्प करेगा, ताकि आप अपने रूट से डाइवर्ट नहीं हो पाएंगे। अगर आप जब A4 सीट पे गेट बीटी या AIR1 लिख के चिपकाते हैं तो ये आपको हेल्प करेगा कंसिस्टेंट रहने में, कंसिस्टेंट रहने में हेल्प करेगा, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन कंसिस्टेंसी से कर सके, आप डाइवर्ट ना हो अपने मेन रूट से। कंसिस्टेंस के साथ साथ आपको एक पर्पज लिख के भी चिपकाना होगा कि कुछ ना कुछ तो पर्पज होगा आपका करने का, कोई ना कोई तो आपका पर्पज होगा, एवे तो आप नहीं करना चाहते, समथिंग इज देयर, कोई ना कोई पर्पज है। वो पर्पज क्या है, क्या आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है, क्या आप कहीं जगह पे जाना चाहते हैं, ये आपको पता करना पड़ेगा। अपने पर्पज को आप लिखना पड़ेगा A4 शीट पे, ताकि आप उसको आइडेंटिफाई कर सके कि यस मुझे इस डायरेक्शन में मूव करना है, इसी तरीके से कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट शुड बी योर प्लान, सो व्हाट टू लर्न एंड हाउ की बात करता हूँ फॉर फर्स्ट 20 डेज, ठीक है। अगर फर्स्ट 20 डेज की बात करता हूँ सो इसको आप थोड़ा सा डिवाइड कर लीजिएगा। देखिए ये 4-4 दिन, ये कुछ इस तरीके से RDT पे थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है कि 1 से 3, 1, 2, 3, 1st, 2nd, 3rd Jan, जैसा कि मैं आपको बता दूं SLA पे, स्मार्ट लर्निंग एकेडमी पे 3rd January से बैच स्टार्ट हो रहा है, क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो आप वहां से डिस्कस कर सकते हैं, वहां पे जुड़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को हाई लेवल पे बूस्ट कर सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं गेट एग्जाम को। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूं कि आप RDT पहले पढ़िए, RDT को सेट करिए, जैसे वेक्टर पढ़िए, रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन पढ़िए, CDNA लाइब्रेरी, PCR, ये सारी चीजें पढ़िए। उसके बाद आप 4-5 Jan को, मैं एक जनरल आइडिया लेके बना चुका हूँ, आपको इसी तरीके से अपने टारगेट को डिवाइड करना पड़ेगा। ये टारगेट पढ़ने के साथ साथ, इन चीजों के पढ़ने के साथ साथ इनकी प्रैक्टिस और रिविजन इंक्लूडेड है। स्टडी के साथ साथ ये प्रैक्टिस और रिविजन, SPR अप्रोच चलता ही रहेगा, स्टडी प्रैक्टिस एंड रिविजन, ये आपका चलते ही रहना चाहिए। 4F मोलिकुलर बायोलॉजी, उसमें क्या है, रिप्लीकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, क्लासिकल जेनेटिक्स, इनके बारे में पढ़िए, ठीक है। उसके बाद बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग 6th और 7th Jan को पढ़िए, केमोस्टेट के बारे में पढ़िए, जो कि CSTR, ग्रोथ काइनेटिक्स, स्टेरिलाइजेशन, KLA, स्केल अप, स्टोइचियोमेट्री, ये सारी चीजें हैं। एनिमल एंड प्लांट बायोटेक की बात करूं, एनिमल एंड प्लांट बायोटेक, जैसे कि कैलस फॉर्मेशन, ग्रोथ टेस्ट एंड एसेस, क्या क्या टेस्ट एंड एसेस होते हैं, सोमैटिक एम्ब्रियो फॉर्मेशन, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी प्लांट बायोटेक से। 10th और 11th बायोकेमिस्ट्री, जैसे अमीनो एसिड के बारे में पढ़िए, एंजाइम्स काइनेटिक्स के बारे में, कौन कौन से इनहिबिशन काइनेटिक्स, रेस्पिरेशन, बायोएनर्जेटिक्स के बारे में, इम्यूनोलॉजी, ठीक है, इम्यूनोलॉजी की बात करते हैं, एंटीबॉडी क्लासिफिकेशन, कौन-कौन सी क्लासिफिकेशन एंटीबॉडी पाई जाती है, साइटोकाइंस, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, इम्यूनोटेक्निक्स, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद सेल बायोलॉजी की बात करता हूं, सेल मेम्ब्रेन, सेल सिग्नलिंग, लिगेंड रिसेप्टर, ट्रांसपोर्ट, न्यूमेरिकल्स, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी सेल बायोलॉजी में, 2 दिन आप दे सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए मैट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ज्यादातर मैट्रिक्स पे फोकस करें, इससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में ग्रोथ काइनेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं, टेस्ट से क्वेश्चन आते हैं, तो इनको पढ़े। इसके अलावा कौन से माइक्रोब जो होते हैं डिजीज को कॉजिंग होते हैं, उनका क्या क्या रोल होता है, ये सारी चीजें भी आपको लर्न करनी पड़ेंगी। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में कौन कौन से डेटाबेसेस होते हैं, टूल्स कौन कौन से कहां कहां पे यूज होते हैं, ये सारी चीजें। सिमिलरिटी सर्च और अलाइनमेंट से क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज इन चीजों को रीड करें। और उसके बाद एनालिटिकल
को रीड करें, जैसे क्रोमेटोग्राफी, एसडीएसएन, स्पेक्ट्रोमेट्री। सो ये कुछ डेटा है, इस तरीके से आप अपने आप को लेके जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि कैसे आपको फर्स्ट 20 डेज के लिए लर्न करना है। आप अपने अकॉर्डिंग इन चीज़ों को ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट 20 डेज के लिए आप इन चीज़ों को पढ़िए, इन चीज़ों को रिविजन करिए और उसके बाद उनका प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। अगर जनरल एप्टीट्यूड की बात करें तो वर्बल एबिलिटी में इंग्लिश ग्रामर, सेंटेंस कंप्लीशन, वर्बल एनालॉजीज, वर्ड ग्रुप्स, इंस्ट्रक्शंस, क्रिटिकल रीजनिंग, वर्बल डिडक्शन, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वर्बल एबिलिटी एंड फॉर द न्यूमेरिकल एबिलिटी। इफ यू आर आस्किंग फॉर द न्यूमेरिकल एबिलिटी, दैट इज न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, वर्क एंड टाइम परसेंटेज, क्लॉक, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूमेरिकल एस्टिमेशन, न्यूमेरिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन आर देयर। सो ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं। इनको क्या करना है, कोई बुक फॉलो करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, इतना टाइम बचा है? नो, वो जस्ट व्हाट यू हैव टू डू गाइस, जस्ट प्रीवियस ईयर पेपर। अगेन आई एम टेलिंग यू, प्रीवियस ईयर पेपर, इससे अच्छी चीज तो है ही नहीं। प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लो भाई, हो जाने वाला है, सीरियसली बता रहा हूँ, हो जाएगा। मैंने भी प्रिपरेशन करी है, जैसा कि आप लोग मेरे बारे में जानते होंगे, मैंने एक महीने तक सूरज नहीं देखा था। मतलब सीधा सा है कि सिर्फ और सिर्फ आंख खुली तो पढ़ाई, या तो खाना या तो सोना, बस यही था। एक महीने मेहनत कर लो, सीरियसली रैंक अच्छा खासा आ जाएगा आपका। अरिहंत गेट ट्यूटर, अगर आप चाहें तो इसके लिए एप्टीट्यूड के लिए फॉलो कर सकते हैं। अरिहंत गेट ट्यूटर जो बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है, सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड फॉलो करना है उसका, इसका बायोटेक फॉलो नहीं करना, सिर्फ एप्टीट्यूड के लिए यूज कर सकते हो आप, ठीक है, अगर आप चाहो तो। लेकिन प्रीवियस ईयर भी कर लोगे तो आपका काफी कहते पोर्शन कवर अप हो जाएगा। नाउ What should be your strategy for last 10 days? आपकी स्ट्रेटेजी लास्ट 10 डेज क्या होनी चाहिए, दैट इज what, प्रैक्टिस करिए, रिविजन एंड प्रीवियस पेपर डेली, ठीक है, प्रैक्टिस, रिवीजन, प्रीवियस पेपर डेली। कई बार कंफ्यूजन होता है क्या करना भैया, प्रैक्टिस वन बाय वन सब्जेक्ट कंप्लीटली फ्रॉम द एमसीक्यू पाथफाइंडर। जो जो सब्जेक्ट जो जो पढ़ रहे हो ना, उसको एमसीक्यू पाथफाइंडर से प्रैक्टिस करो। फॉर बायोप्रोसेस एमसीक्यू हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें इंटरेस्ट शो कर सकते हैं कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होना है, वी विल प्रोवाइड यू आपको कैसे ज्वाइन होना है प्रैक्टिस के लिए। और हमारे टेस्ट सीरीज, स्मार्ट लर्निंग एकेडमी की टेस्ट सीरीज भी चलती है, उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें कर सकते हैं। नाउ फॉर द प्रैक्टिस, गेट एक्सेल की बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी जरूर सॉल्व करें। ये गेट बायोटेक्नोलॉजी है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपके बायोकेमिस्ट्री से कई क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो उठा के जस्ट पूछा जाता है, बायोटेक में रिपीट किया जाता है, तो बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी को भी सॉल्व करें। डीबीटी जीआरएफ की बात करता हूं, उसके पार्ट बी सेक्शन से बायोप्रोसेस के क्वेश्चन सॉल्व करें। बायोप्रोसेस के लिए स्पेसिफिकली बता रहा हूं, डीबीटी जीआरएफ के पार्ट बी सेक्शन से बायोप्रोसेस क्वेश्चन को सॉल्व करें। रिवीजन नोट्स आप रिवाइज करते रहें, रिवाइज वन सब्जेक्ट कंप्लीटली रिवाइज करें, और उसके लिए आप क्या करना है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, रिकॉल करना है। क्या करना है, रिकॉलिंग, जैसा कि आपको बता चुका हूं, रिकॉलिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। और प्रीवियस पेपर जो है 2018 से लेकर 2008 तक, या 2019 से लेकर 2010 तक, इन अ प्रॉपर एनवायरमेंट 3 घंटे बैठ के प्रैक्टिस करिए और अपने स्ट्रेटेजी को बूस्ट करिए, ठीक है। सो ये आपका 30 डेज प्लान के बारे में मैंने डिस्कस किया। आपकी जो स्ट्रेटेजी फॉलो होनी चाहिए, एक टाइम स्लॉट डिवाइड करें, सेट अ टारगेट एंड स्टडी टाइम, अपने आपको थोड़ा थोड़ा ब्रेक दे और इस तरीके से पढ़ते रहे आप, ठीक है। जैसा कि मैंने पीएसआर टेक्निक के बारे में बताया, प्रैक्टिस जरूरी है, स्टडी भी जरूरी है और रिवीजन भी जरूरी है, आप उसके अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं। तो अगेन एक छोटी सी चीज मैं एट द एंड आपको यह डिस्कस करना चाहूंगा, ठीक है, कि बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप में बिलीव करें, आप कर सकते हैं, ठीक है। और बी कॉन्फिडेंट, आप बिल्कुल कर लेंगे, बी कॉन्फिडेंट and always say to yourself that I can do it. So thank you so much guys, इस वीडियो को देखने के लिए। आगे ऐसे वीडियोज में लेके आता रहूंगा, और जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं स्मार्ट लर्निंग पे क्रैश कोर्स के लिए, जो कि 3rd जैन से स्टार्ट हो रहा है। थैंक यू सो मच वंस अगेन।